And you need a coach who's a bit laid back in a way, not in his work, but laid back as far as media concerned. सच्चाई ये कि देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना ज्यादा जरूरी होता है. ये सवाल मुझसे भी 2011 में पूछा था कि जब सबने कहा था कि हम एक इंडिविजुअल के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, मैंने वहां पर बोला था कि नहीं, मैं देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ. How do you see his success as a coach? Or दूसरा ये भी उनका contract भी खत्म हो रहा है द्रविड का. So do you think he should continue with it or उनका contract ऐसा renew होना चाहिए? Look, absolutely. मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो वर्ल्ड कप के जिस तरीके से भारत ने क्रिकेट खेली ऑटोमेटिकली रिन्यू क्यों नहीं होना चाहिए. अगर आप सिर्फ एक कोच को एक मैच हारने से डिसाइड करेंगे कि वो अच्छा कोच है या नहीं अच्छा कोच, तो वो बहुत खराब रहेगा. फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्लेयर्स के साथ है, जो टीम के साथ है, वही कोच के साथ है. हर खिलाड़ी जीतना चाहता है, हर कोच जीतना चाहता है वर्ल्ड कप अपनी टीम के लिए. तो अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, मेरा मानना है कि बिल्कुल अगर उनको रिन्यूअल, अगर वो रिन्यू करना चाहते हैं, और कंटिन्यूटी से बेहतर क्या चीज़ है, कंटिन्यूटी से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, तो ज़रूर रिन्यू करना चाहिए. और लेकिन मैं एक चीज़ नम्रता यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मुझे कभी ये समझ नहीं आया था, हमारे टाइम पे भी ये हुआ था 2011 में, अभी भी ये हुआ है, कि जब आप ये कहते हैं ना कि हम एक इंडिविजुअल के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, वो कोई भी हो, ये स्टेटमेंट ना ठीक नहीं है. आप अपने 100 पूरे देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, और अगर आपको ये चीज़ कहनी भी है ना, तो इस चीज़ को मीडिया में कहने की ज़रूरत नहीं है, या आप अपने अंदर रखिए. क्योंकि सच्चाई ये है कि देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये सवाल मुझसे भी 2011 में पूछा था कि जब सबने कहा था कि हम एक इंडिविजुअल के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ, मैंने वहाँ पर बोला था कि नहीं, मैं देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ. क्योंकि मैंने बैट जब उठाया था तो देश के लिए उठाया था. तो रोहित को कहीं ना कहीं यही बोलना चाहिए था. बट अगेन, राहुल द्रविड़ की जहाँ तक कोचिंग की बात करेंगे, आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी कि जिस तरीके से उनका ये टेन्योर रहा है. और मेरा मानना है कि अगर वो एक्सटेंड करना चाहते हैं अपना टेन्योर, तो ज़रूर उनको एक्सटेंशन मिलना चाहिए. और एक साल का नहीं मिलना चाहिए, कम से कम 2 साल का मिलना चाहिए. क्योंकि अभी भी इंडिया आगे आने वाले टाइम में भी एक बिल्डिंग फेज में जाएगा. आप शायद रोहित शर्मा को अगले वर्ल्ड कप में ना देखें, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी को ना देखें, तो अगले वर्ल्ड कप तक बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी है 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए, कि कौन किस तरीके की टीम खेलेगी पिछले अगला आने वाला वर्ल्ड कप 4 साल बाद. Look, I knew Rahul for a long, long time. मैंने उनकी कोचिंग का स्टाइल भी देखा है. मैं तो अंदर का ड्रेसिंग रूम का मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है कि उनकी स्टाइल, but as a person, he's very calming person. Even as a batter, he was on the greats of the game with amazing technique, brave and very good cricketing mind and very calm. So I think that also is part of his जो सक्सेस है उनकी कोचिंग में जो उसको मिली over the years, that's also a mix of all these qualities. Great cricketing mind, great player himself, led India too. So all that. फिर वो आया भी आपका कोच, वो जूनियर क्रिकेट करके आया, NC के हेड भी गए हैं, फिर आपकी ए टीम के भी कोच रहे हैं, फिर इंडिया टीम के कोच बने हैं. तो उनको सारा सिस्टम एक पता है. एंड यू नीड अ कोच हुज बिट लेट बैक इन अ वे, नॉट इन हिज वर्क, बट लेट बैक एज फार एज मीडिया कंसर्न. वो सामने नहीं आते, बिकॉज कोचों का काम नहीं है सामने आना, वो अरीना प्लेयरों का है. वो उनका टाइम है, कोचों का टाइम हो गया होगा, उन्होंने करना है तो बैक पे रह के करना है. एंड आई थिंक दैट्स इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम.